राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। कैंडल मार्च निकालकर प्रिया को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। हत्यारे जल्द गिरफ्तार, नहीं तो आंदोलन होगा तेज। सुनील, बेटियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है नीतीश सरकार और प्रशासन। वंदना सिंह, समस्तीपुर 17 सितंबर 2021, वैशाली जिला की बेटी प्रिया को समस्तीपुर के पटोरी में कोचिंग जाने के क्रम में वहशी दरिंदे ने रेप कर हत्या कर दी। 4 दिन बीतने को है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को आईसाइनोस एपवा एवं इंसाफ मंच के बैनर तले शहर के स्टेडियम गोलंबर से अपने अपने हाथों में जस्टिस फॉर प्रिया का कार्डबोर्ड लेकर कैंडल मार्च निकाला, जो मुख्य मार्गों से गुजरते हुए अभर ब्रिज चौराहा स्थित अंबेडकर स्तर पर पहुंचा। मार्च सभा में तब्दील हो गया। सभा के शुरू में 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि मृतिका को दी गई। सभा की अध्यक्षता आईसा जिला अध्यक्ष लोकेश राज ने की तथा इंसाफ मंच के डॉक्टर खुर्शीद खैर, नौशाद आलम, एपवा के जिला अध्यक्ष वंदना सिंह, सचिव परमिला राय, आईसा के प्रीति कुमारी, मनीषा कुमारी, मनीष कुमार, सोरू कुशवंशी, अभिषेक कुमार, आशीष देव, वंदना कुमारी, मोहम्मद फरमान, इनोज जिला प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद सिंह, माले के मनोज शर्मा, मोहम्मद सगीर, अशोक राय, उपेंद्र राय, नूतन कुमारी, जानवी कुमारी, शिक्षक जितेंद्र कुमार, रेल कर्मी एस के निराला समेत अन्य दर्जनों वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। आईसा जिला महासचिव सुनील कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिया के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आईसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं समस्तीपुर वैशाली प्रशासन से अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी एवं मामले का उद्भेदन करने की मांग के साथ लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई करने, मामले का स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को सजा देने, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करने की मांग की है। मामले का उद्भेदन जल्द नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।